बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। मैं इस वक्त बार्सिलोना एयरपोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता 2-2.5 घंटे में यहाँ, क्योंकि बदकिस्मती से मेरी जो बैटरी है मोबाइल की वो कमज़ोर हो गई थी, फिर खाना वगैरह यहीं पर ही मैंने खाया और बाहर निकलने के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ कि होटलिंग हो जाए। बट यहाँ बहुत ज़्यादा रश के बिना पे होटल्स अवेलेबल नहीं हैं, और हमारे जो दोस्त आईटेल के दौरे पर यहाँ रवाना हुए थे, 100 से ज़ायद मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से, बिलखसूस कराची से, तो वो वाया इस्तांबुल फ्रैंकफर्ट पहुँच गए। और जो VIPs थे, VIP से मुराद कारोबार के लिहाज से बात कर रहा हूँ, शख्सियत के हिसाब से एक अलहदा मसला होता है, तो वो वहाँ से कराची से वाया दीगर परवास से बार्सिलोना पहुँच गए। जो कराची से VIP शख्सियत बार्सिलोना पहुँची, उनमें रिजवान मजीद, रिशान यूसुफ साहब, उस्मान सुल्तान साहब, रिशान मियानूर साहब, याया सुल्तान साहब, उमर सुल्तान साहब, आमिर हमीद साहब, अब्दुल रहमान साहब, और ये जो शख्सियात हैं ये यहाँ पर MWC में शिरकत के लिए आए हैं, और खुशकिस्मती से ये खाकसार भी वाया जो दौरा था उसमें आईटेल के दौरे से इस्तांबुल वाया बार्सिलोना पहुंच चुका है। और यहाँ पर 5:30 बजे यहाँ के वक्त के मुताबिक ये जो नुमाइश है उसे क्लोज़ कर दिया जाता है। सुबह होने की वजह से जल्दी लोग यहाँ आते हैं, तो आज का दिन गुज़र गया। ये हमारी जितनी मौजूद शख्सियात थी वो नहीं जा सके, क्योंकि ये भी तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे और यहाँ के वक्त के मुताबिक 4:30-4 बजे के करीब मैं भी और वो भी अपने होटल में चेक इन किया। मैं तो हम जो है ये खाकसार को तो अभी होटल के लिए एक मसला दरपेश है, यहाँ होटल्स नहीं मिल रहे उसके इंतज़ार में। लेकिन ये आप समझ लें कि ऐसे इवेंट पाकिस्तान में भी होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पूरे में कई जगह मैंने इस पर कोशिश की कि यहाँ पर रूम या दीगर चीज़ों की कोई आगाही हो, तो हर शख्स ने फुल के आवाज़ लगाई, यानी एयरपोर्ट पे जो ये सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्स डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से भी पता चला कि यहाँ हाउसफुल है। तो ऐसे प्रोग्राम से फ़ायदा होते हैं, आम क्याम और गुठलियों के दाम, दुनिया भर से लोग आते हैं। बड़े इवेंट कराने चाहिए, बड़े प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि इस पर जो है वो बहुत हमारे जो दोस्तों का आगाज़ हो चुका है, आज वो भी पहुँचे हैं। इसकी तफसील आपको कल इंशाल्लाह मैं दूंगा, लेकिन आज मुझे ये देना ज़रूरी था कि बार्सिलोना में ये एयरपोर्ट पे आप देख रहे होंगे, ये मैं घूम रहा हूँ और ये एयरपोर्ट का बाहर का हिस्सा भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है, ये सारा ये आप देख लें, एयरपोर्ट पे ही मौजूद हूँ बार्सिलोना के। अभी बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कल आपको MWC से सारी खबरें दूंगा इंशाल्लाह, बताऊंगा कि किस क्या करने जा रहा है। लेकिन यहाँ ये मैं ब्रेक करता चलूं, आपको मुजफ्फर हयात पराचा साहब पहले ही आए हुए हैं यहाँ, और नफीस हैदर उनके साथ, और दीगर लोग भी काफ़ी मौजूद शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। शौमी जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कार, तो इसके मुतालिक तफसीली खबर भी आपको मैं कल दूँगा। कार इसी तरह नए मॉडल जो लॉन्चिंग दुनिया भर में जो होती है हर कंपनी हर उसकी, वो भी तफसीलन में आपको आगाह करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।